हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल वीटो ब्लॉग्स में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सांभर प्रीमिक्स। सांभर जो है सबको पसंद आता है, इसे इडली, डोसा या मेदू वड़ा के साथ सर्व करते हैं और सांभर जो है हर किसी को पसंद आता है। तो सांभर का प्रीमिक्स कैसे बनाना है आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो सांभर प्रीमिक्स कैसे बनाना है, आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सांभर प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी तुअर की दाल ली है और आप किसी भी कप से या कटोरी से माप ले लीजिए। तो मैंने आधी कटोरी तुअर की दाल ली है, इसको 2 से 3 बार मैंने धो लिया है और धो के फैन के नीचे कॉटन के कपड़े पे इसको सुखा लिया है। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे, इसका मॉइस्चर निकलने तक हम इसको भूनेंगे और सिम गैस पर ही इसको हमें भूनना है। इसके साथ ही मैंने 1/4 कटोरी उड़द की दाल ली है, इसको भी मैंने धो लिया है और सुखा लिया है सूखे कपड़े पे, इसको भी हम फ्राई करेंगे साथ में। दाल की खुशबू अच्छी आने लगी है और अब ये भून गए हैं, इनको हम खाली कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बाउल लिया है, अब इसमें हम निकाल देंगे। 1/4 कटोरी मैंने चने की दाल ली है, इसको भी धो के और सुखा लिया है, इसको भी हम भूनेंगे। इसके साथ में मैंने 1/4 कटोरी चावल लिया है, इसको भी धो लिया है, आप कोई भी चावल ले लीजिए, इसको भी भूनेंगे। सारी दालों को आपको एक साथ नहीं भूनना है, सब अलग अलग भूनना है। इसको भी हम फ्राई करेंगे। सबको आपको एकदम स्लो फ्लेम पे ही आपको भूनना है। ये भी अब हमारे भून गए हैं, देखिए। आपको सारी चीज़ों को कंटिन्यू इनको चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये जल भी सकते हैं। और आपको जब लगे कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया है और ये खुले खुले हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं, तब तक आप भून के और उसके बाद आप इनको निकाल लीजिए। अब इनको भी हम निकालेंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि अगर ज़्यादा कड़क हो गया तो फिर सांभर जो है अच्छा नहीं बनेगा, तो इसलिए हमें खाली बस इसका मॉइस्चर निकालना है, उतना ही भूनना है। तो अब ये भी भून गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। सारी दाल और चावल को हमने एक बाउल में निकाल लिया है और इसको हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसका हम पाउडर बनाएंगे। अब कुछ मसाले भूनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी धनिया लिया है, 2 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच काली मिरी है और 1 चम्मच मेथी दाना है। थोड़े से मैंने दालचीनी ले लिए हैं। अब इन सबको भी हम भूनेंगे, सबको सीम गैस पे ही भूनना है, इसको भी हम भून लेंगे। इनको भी ज़्यादा नहीं भूनना है, जलाने इतना नहीं भूनना है। मसाले 1/2 भून गए हैं, खुशबू एकदम अच्छी आ रही है। अब इसमें मैं डालूंगी नारियल का पाउडर, मैंने ये भी 1/4 कप नारियल ले लिया है। अगर नारियल का पाउडर आपके पास नहीं है तो आप सूखा नारियल ले लीजिए और उसके पीछे का हिस्सा निकाल दीजिए जो कालापन रहता है, और उसको मिक्सर में ग्राइंड करके और फिर आप सेक लीजिए। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको भी हमें भूनना है 2 से 3 मिनट। दो मिनट हो गए हैं और देखिए मसाले पूरे भून गए एकदम अच्छे से। अब इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं।
मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं खाली कर दूंगी इसको। अलग मसालों को अलग भून के रखना है आपको। अब बाकी के मसालों को भी फ्राई भून लेते हैं। अब मैं भूनूंगी लाल मिर्च। मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च लिया है, इसको टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इनको हम भून लेंगे, इसका भी मॉइस्चर निकल जाए उतना ही भूनेंगे। मिर्ची भी फ्राई हो गई है, इनको भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। सब मसालों को अब फ्राई करके अलग अलग रखिए। अब मैंने यहाँ पे कढ़ी पत्ता ले लिया है, ये भी एक चौथाई कटोरी। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ता देखिए फ्राई हो गए हैं, आवाज़ भी आ रहा है इसमें। इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच इमली लिया है। मेरे पास इमली सूखी हुई नहीं थी, मार्केट में इमली सूखी हुई मिलती है तो आप उसको डायरेक्ट मसालों के साथ ग्राइंड कर सकते हैं, पर मेरे पास सूखा नहीं है तो इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी। हल्का सा मैंने भून लिया है, अब हम गैस बंद कर देंगे और सारे मसालों को अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। सारे दाल और चावल का जो मिश्रण हमने भून के रखा था ये ठंडा हो गया है, अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो एक जार में मैं डाल रही हूँ। और इसको हम एक साथ पीस लेते हैं, पीसेंगे। देखें ये पूरा एकदम पाउडर बन गया है, इसको एकदम बारीक पीसना है। ये देखिए, अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब सारे मसालों को पीस लेंगे। तो फिर से मैंने वही जार ले लिया है, इसमें सारे मसाले डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। मिर्ची, कड़ी पत्ता, इमली। इमली का बीज आप निकाल के ही इसको भूनिएगा, अगर आपके पास सूखी इमली नहीं हो तो। ये भी डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी लिया है मैंने, 2 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच हींग लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। देखिए सारे मसाले अच्छे से पीस गए हैं, एकदम पाउडर हो गया है। इस तरह से आपको भी पाउडर बनाना है। अब सारे मसालों को मिक्स करेंगे, तो इसी में जो हमने मसाले पीसे हैं ये इसमें डालेंगे और इनको हम एकदम अच्छे से मिक्स करना है पूरा। सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आप सही माप में अगर मसाले लेते हैं और इसको भून के और अच्छे से पीस के इसको आप स्टोर करके रख दीजिए, और जब भी आपको सांभर बनाना हो तो दाल बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सब्जियों का तड़का लगाइए और ये सांभर पाउडर डालिए और आपके सांभर जो है बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे। इस सांभर पाउडर से आपको बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा, जैसे होटल्स में हम सांभर खाते हैं उस तरह का आपको टेस्ट लगेगा। आप इसको इडली के साथ, डोसे के साथ या मेदू वड़ा के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सांभर बनाइए। अब इस टाइप का कुछ एयर टाइट जार ले लीजिए आप या कांच की बॉटल, ये उसमें हम मसालों को भरेंगे। सारे मसाले इसमें हम भर देंगे। मैं जितनी क्वांटिटी में मसालों को ली थी उतने में ये सांभर पाउडर आपका कम से कम 5 से 6 बार सांभर आपका बन जाएगा। मेंबर वाइज जैसे 2 या 3 मेंबर होंगे तो और लंबा चलेगा, और मेंबर अगर ज़्यादा होंगे तो 5 से 6 बार में आपका ये सांभर बनेगा।
आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इस तरह से सांभर पाउडर बना के और एयरटाइट डब्बे में रख दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।